कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबा दें। नमस्कार दोस्तों, राजधानी के प्रेस क्लब में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष साजिशा अंबर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज जो 17वीं लोकसभा संसद जो स्टार्ट हुई है उसको लेकर के मोदी सरकार से अपील करी और कुछ अहम बिंदुओं पर मुस्लिम संगठनों के साथ बैठक करने की भी अपील करी। जैसा कि आप जानते हैं 2014 में पीएम मोदी की सरकार बनने के बाद ही महिलाओं के लिए ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर केंद्र सरकार ने बिल पास किया था, जिसको लेकर सभी मुस्लिम संगठनों ने इस बिल में कुछ मुद्दों पर गौर करने के लिए कहा था और सरकार बिल पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एतराज़ जताया था। आज इन्हीं सब बातों की जानकारी देते हुए साजिशा अंबर ने कहा कि हज में जाने वाले लोगों को सब्सिडी न देकर उनको अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं, ये सरकार का एक बेहतर कदम है। उसके साथ साथ मुख्तार अब्बास नकवी ने मुस्लिम लड़कियों को 10 लाख तक शिक्षा के लिए दिए जाने को कहा है और 51,000 तक उनकी शादी को दिए जाने के लिए कहा है। इसका मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार के इस फैसले का स्वागत करती है। इस योजना से मुस्लिम लड़कियों को आगे ले जाया जाएगा। साथ ही साजिशा अंबर ने कहा कि ट्रिपल तलाक का जो बिल लाया गया उसमें कुछ मुद्दों को ध्यान में रखा जाए। सरकार ने जो भी घोषणा की उसके लिए महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने पत्र लिखकर जवाब मांगा है। साथ ही महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये चाहता है कि जमीयत उत्तमाए हिंद ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड को सरकार बुलाए और इन सभी मुस्लिम संगठनों के साथ बैठक की जाए। उन्होंने कहा कि सभी मुस्लिम ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर एक साथ आगे आएं, बैठ कर के बातचीत करें। उन्होंने कहा कि तलाक नियामत होनी चाहिए, जहमत नहीं होनी चाहिए। साजिशा अंबर ने मोदी सरकार से अपील करते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी या बीजेपी भारी मतों से दोबारा जीत करके आई है और माननीय प्रधानमंत्री अब दोबारा प्रधानमंत्री भी बने हैं, तो ये इसके लिए भी हमने उनको बधाई दी है और शुभकामनाएं दी हैं और उन्हीं ने जो घोषणाएं की हैं उसको स्वागत भी कर रही हूं। स्वागत के साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि वो घोषणाएं ज़मीनी हकीकत में सार्थक होनी चाहिए। दूसरे ये कि जैसे बहुत सारे अभी योजनाएं गवर्नमेंट की बनती हैं, अभी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो अधिकार से वंचित हैं, योजनाओं से वंचित है, जैसे आदिवासी हों या नक्सल क्षेत्र हो या अल्पसंख्यक समुदाय है, वो कभी कभी ऐसा उनके वहाँ है कि वो जागरूक नहीं है। अगर ग्राम पंचायत स्तर पे उनको योजनाएं मिलती हैं गैस की या चूल्हे की या शादी की या शिक्षा की, लड़कियों की शिक्षा की, तो वो पूरी तरह उनको जागरूक नहीं है, बल्कि अन्य और समुदाय जागरूक है, उनको लाभ मिलता है। तो अब ये दोबारा मौका मिल रहा है, मैं समझती हूँ कि इससे लोगों को लाभ मिलेगा। दूसरा ये कि अल्पसंख्यक में जो घोषणाएं हुई हैं जो अभी तक हमने नहीं सुनी, जैसे हज कमेटी में हज करने जाने वाले लोगों को सब्सिडी ना लेकर के उसमें उनको पैकेज अच्छा दिया जा रहा है, उनको खाना सही मिल रहा है, उनको रहने के लिए भी चाहिए। उसमें देखिए, उसमें हमने कई बार ये कहा है कि जिस तरह से एक बात फैल रही है कि पति पत्नी जिस तरह से मुकदमा दर्ज कर दे और उसको जेल जाना पड़े, जब सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक की विधा को मना किया है और तलाक नहीं हुआ तो उस पर जेल जाने की ज़रूरत ही नहीं है और मजिस्ट्रेट को चाहिए और जो भी इसके आदि सरकारी संस्थाएं हैं पहले उनकी जहां तक मुमकिन हो काउंसिलिंग हो, वही बात को माननीय कानून मंत्री विधि उन्हीं ने भी कहा कि हमने संशोधन किया, लेकिन वो संशोधन हम लोगों तक पहुंचना चाहिए। हम लोगों को जब तक इत्मीनान नहीं होगा कि ये संशोधन पूरी तरह है तब तक ये बिल तलाक के बिल को लेकर के स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत उलमा हिंद, अहले हदीस हम लोगों को बुला करके उसको एक बार वो बिल दिखाएं, बात करें, ताकि हम लोग उसको अपनी कोई ना कोई उसमें कमी हो तो उसको सही करके ताकि ऐतिहासिक बिल बने। कानून बनना ज़रूरी है। आज भी तलाक हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी तलाक हो रहे हैं और मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, तो इसको सज़ा तो होनी ही चाहिए। सज़ा इसलिए होनी चाहिए कि तलाक रुकेगा। आज मासूम मासूम बच्चियों का
जो रेप हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनकी आंख निकाल दी जा रही है, हाथ काट दिया जा रहा है, ये क्या हैवानियत है? आप उसको सिर्फ जेल की सजा दे देंगे या उनको नजरबंद कर देंगे? ये कह देंगे कि रेप नहीं हुआ? ये देखिए, पसनल्ला बोर्ड का हमारा कोई लड़ाई नहीं है, पसनल्ला बोर्ड का हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। सिर्फ इसी बात का इख्तलाफ है कि जब हमारे इस्लाम में और हदीस में और इस्लाम शरीयत में तलाक गैर शरी तरीके से दी गई है तो उसकी कोड़े की सजा है, तो जब तलाक की कोड़े की सजा है तो जो गैर शरी तरीके का तलाक है उसको सजा तो होनी चाहिए। आप वो तलाक जब नहीं हुआ तो आप अपने घर में रखें, तलाक दे करके फौरन घर से बाहर निकाल देना भी ये कुरान के कानून के खिलाफ है, और जो कानून के खिलाफ है कुरान के, तो आप उसको कैसे कह सकते हैं कि कानून नहीं बनेगा? कानून तो बनना ही चाहिए, और कानून बन के रहेगा, और कानून जब तक नहीं बनेगा तब तक हमारी आवाज बुलंद रहेगी। हमें कानून चाहते हैं, सरकार से हमें उम्मीद है कि वो सभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल्ला बोर्ड, जमीयतुल उलमा हिंद, अहले हदीस, ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल्ला बोर्ड और ऐसे बहुत सारे मुस्लिम अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, जैसे आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, फैज़ान मुस्तफ़ा साहब हैं, इन सबको बुला करके बिठाला जाए और एक ऐसा मजबूत कानून लाया जाए, क्योंकि वो सब लोग मुस्लिम लॉ के मुताबिक, फैज़ान मुस्तफ़ा साहब, आरिफ मोहम्मद खान साहब, ये सारे लोग एक लंबी लड़ाई तलाक के बारे में शाबानों के टाइम से लड़ रहे हैं। एक औरत की ज़िंदगी इस तरह से अचानक ख़त्म हो जाए तो ये ठीक नहीं है, परिवार जुदा होता है। और ये एक साल से नहीं कह रही हूँ मैं, ये बहुत साल से कह रहे हैं, और आप सभी मीडिया जानता है कि हम नहीं चाहते हैं कि परिवार टूटे, परिवार बिखड़े। तलाक कोर्ट में अगर वो अपना केस जीत भी गई हैं, जैसे हमारे बगल में शबनम बैठी हैं, कोर्ट में केस जीत भी गई हैं, उनको न्यायालय के धक्के खाते खाते, वो धक्के खाते खाते आज इनको यह हुआ कि कोर्ट ने इनके पति के पैसे से इनको मिलने का हक दे दिया गया है, लेकिन पति कोर्ट को भी गुमराह कर रहा है, और जो क्लास फोर्थ का अधिकारी वो कर्मचारी है वो उसको भी उसके तनख्वाह से इसको पैसा नहीं मिल रहा है कि अपनी जीविका चलाए। मतलब ज़मीनी हकीकत ये है कि इसको वो लाभ नहीं मिल रहा है जो कानून से मिलना चाहिए। जी, दो तीन चीज़ों में जो आवाज़ उठी है इसके लिए भी हम उम्मीद रखते हैं, जैसे सब सिटी के को लेकर के बात हो रही थी, अब वहाँ हाजियों के लिए एक अच्छा पैकेज दिया जा रहा है। दूसरे खादिमुल हज्जाज जो महिलाएं बनाई जा रही हैं उसका हम पुरजोर स्वागत करते हैं, और जो बिना महरम के हज करने नहीं जा पाती थी, जो महिलाएं महरूम थीं हज करने नहीं जा पाती थी, उनकी तमन्ना थी कि हम भी अल्लाह की काबा की मुकद्दस घर की इबादत ज़ियारत कर सकें, वो ये सुविधा उनको दी जा रही है, इसकी व्यवस्था की गई है, इसको भी हम ईमानदारी से इसका भी हमें स्वागत करना चाहिए। मिनिस्टर हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब, वो आश्रय होम ज़रूर बनाएँ और वफ़ की ज़मीनों पे छोटे छोटे कारखाने बनाएं, घरेलू उद्योग बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, ताकि सबसे ज़्यादा दलितों से भी पिछड़ा मुस्लिम समाज का है उसको वहाँ से लाभ मिले और वो देश की तरक्की में भी हिस्सा ले। इस्लामिक तरीका जो आप बता रहे हैं, रहमत है, सहमत नहीं। जी जी, तो लोगों ने अजाब बना रखा है। और को 3 साल की सजा क्यों? सजा तलाक अगर सजा भी है तो फिर तलाक रहमत नहीं हुई, तो फिर कोई बेटा, कोई माँ बाप अपने बेटे की शादी ही नहीं करेगा डर के मारे। अगर वो करना चाहिए, गाले दे रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको फौरन सजा दे दें। पहले उसको सुधार किस लिए, जेल किस लिए? जेल सजा के लिए नहीं है, बल्कि वो सुधार घर माना जाए, सुधारा जाए। आपको गलती में उसको किसी ने भड़का दिया है, उसके साथ किसी के रिश्ते हैं। शाइस्ता जी, आज जो है सत्र स्टार्ट हो गया है और मोदी सरकार ने फिर से दोबारा सब मंत्रियों ने सब शपथ ले ली है, क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि उनको भारी मतों से दोबारा जीत हासिल हुई है,
और माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं, तो उनको इसका जनता की से उनकी अपेक्षाएं ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और वो सभी का साथ सभी का विकास। और आप उन्हीं ने नारा दिया है कि सभी का विश्वास, तो आप वो सबका विश्वास लें और विश्वास में लेकर के सबकी तरक्की की बात करें। आप एक समुदाय जो सबसे ज़्यादा दलितों से भी ज़्यादा बदतर है और उस समुदाय की अगर कुछ महिलाएं तलाक से पीड़ित हैं या उनका घर जुदा हो गया है, तो उसका वजह ये है कि उसकी कानून ऐसा बनना चाहिए कि वो परिवार टूटने न पाए, जुड़ जाए। अगर वाकई में वो अपराध है, अगर वो जुर्म है, तो उसकी उसको पेनाल्टी मिलनी चाहिए या ऐसी सजा हो कि ताकि दूसरे लोग भी तलाक देने से डरे। अब 3 साल की सजा देंगे तो कोई शादी नहीं करेगा, अपने बेटे को कोई थोड़ी 3 साल में डाल देगा। और जो कोई शरीफ शौहर है, जो स्वाभिमानी शौहर है, वो कभी ऐसे रिश्ते को